ऑलराइट दोस्तों, 15,000 के नीचे अच्छे स्मार्टफोन्स कौन से हैं, 20,000 के नीचे अच्छे स्मार्टफोन्स कौन से, ये तो बता दिया। अगर वीडियो जाके नहीं देखा है तो जरूर देखिए। दिस वीडियो इज अबाउट सबसे अच्छे स्मार्टफोन्स 10,000 के नीचे। लेकिन एक चीज इधर जरूर है दोस्तों, हम 5 स्मार्टफोन्स बताने वाले हैं, लेकिन एक बात कहूं, जो चौथे और पांचवें नंबर का है वो स्किप ही कीजिए, क्योंकि जो टॉप 3 है ना, दे आर दी बेस्ट। बट पता नहीं, अगर आपको कुछ अच्छा लगा चौथे और पांचवें में, यू कैन ट्राई दैट। लेकिन हमेशा के जैसे फिक्स क्राइटेरिया होता है, और इस टाइम अंडर 10,000 में बहुत ही जबरदस्त क्राइटेरिया है। 5G फोन्स होने चाहिए, 4G का जमाना गया, कम से कम 90Hz या 120Hz का डिस्प्ले होना चाहिए, और फुल HD होगा तो बहुत अच्छा, बट HD+ भी ठीक है, बट फास्ट रिफ्रेश रेट होना चाहिए। 6GB रैम होगी तो अच्छा है, बट 4GB भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5000mAh की बैटरी होनी चाहिए, 15W के ऊपर चार्जिंग स्पीड चाहिए, और 5G फोन है तो कम से कम Dimensity 6100+ या Qualcomm Snapdragon 695 के ऊपर होना चाहिए। अंततः स्कोर परफॉर्मेंस के लिए 4,00,000 के ऊपर होना चाहिए। Android 14 अगर होगा तो अच्छा है, लेकिन Android 13 एक्सेप्टेबल है, लेकिन 1 साल के अपडेट्स तो होने ही चाहिए। चलिए पांचवे नंबर का जो है दोस्तों, Vivo T3 Lite है ये, या फिर IQOO Z9 Lite, क्योंकि रीब्रांड होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 10,000 के नीचे वाटर ड्रॉप नॉच है। हम 2024 में वाटर ड्रॉप नॉच अच्छी नहीं है, स्टोरेज टाइप EMMC टाइप है, बट हाँ 6.5 इंच का HD+ 90Hz का डिस्प्ले है, 10 5G बैंड्स है, 5000mAh की बैटरी, 15W चार्जिंग, 4 128 वेरियंट आता है, 10,500 इसकी बेसिकली प्राइस है, बट ऑफर्स में 9,500-10,000 तक मिल जाता है, तो ठीक ठाक है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर की, लावा ब्लेज 2 5G। इसमें ना ग्लास बैक आता है। अब 10,000 के नीचे बहुत रेयर है कि आपको एक ग्लास बैक मिलेगा, तो दिखने को प्रीमियम है, और पीछे रिंग लाइट वगैरह तो वो अच्छा है। प्रोसेसर के मामले में इट इज नॉट ऑल दैट ग्रेट। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 प्रोसेसर है, जो पुराना भी है, इतना पावरफुल नहीं है, 7nm प्रोसेसर है, बट इसमें आपको 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज मिलता है। एंड्रॉइड 14 नहीं है, एंड्रॉइड 13 है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, 5000mAh की बैटरी है, एंड 50MP का प्राइमरी है, AI लेंस तो छोड़ दीजिए। 4GB 64GB वेरिएंट 9999 में मिलता है, 6128 10999 में मिलता है, लेकिन ऑफर्स में 10,000 के नीचे, सो ठीक ठाक है। डिस्प्ले 90Hz HD+ डिस्प्ले, सो लीव दैट। लेकिन तीसरे नंबर का जो फोन है दोस्तों, अगर आपको स्टीरियो स्पीकर से मल्टीमीडिया वगैरह चाहिए, तो डेफिनेटली मैं मोटो G34 5G को आपको रिकमेंड करूंगा। Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर, पुराना प्रोसेसर है, लेकिन इसका अभी भी स्कोर जो है दोस्तों 4.5-5 लाख के करीब स्कोर आता है, सो इट इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अच्छा है। 120Hz का डिस्प्ले, सिर्फ इतना ही कि HD+ है, लेकिन दोस्तों वेगन लेदर बैक आती है इसके अंदर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज है, एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, IP52 है, और आपको पता है कि मोटोरोला के फोन्स क्लीन UI के साथ आते हैं, सो दैट इज गुड। 4 128 वेरिएंट 10999 में मिलता है, ऑफर्स के साथ आपको अंडर 10,000 ये मिल जाएगा। सो अगर आपको मल्टीमीडिया के लिए फोन चाहिए, वेगन लेदर अच्छा दिखने वाला फोन चाहिए, तो डेफिनेटली मोटो G34 आता है नंबर 3 पे। बट आर बेस्ट फोन्स आर द टॉप 2, जी हाँ, ये डेफिनेटली 2 नंबर पे आता है। क्यों? क्योंकि इसमें FHD+ स्क्रीन, फुल HD+ स्क्रीन आती है 90Hz की। मैं बात कर रहा हूँ पोको M6 प्रो के बारे में। Qualcomm Snapdragon 4th Gen 2 प्रोसेसर आता है, जो मेरे हिसाब से आई थिंक 10,000 के नीचे आपको Qualcomm का 4th Gen 2 मिल रहा है, विच इज एक्सिलेंट। 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, वो भी UFS 2.2 मिलता है, 5000mAh की बैटरी है, 18W चार्जिंग है, IP53 मिलता है, सो दैट इज गुड। एक चीज अच्छी नहीं है दोस्तों, Android 13 आता है आउट ऑफ द बॉक्स, और हाँ मोनो स्पीकर्स भी है, तो ठीक ठाक है मल्टीमीडिया के लिए, बट ग्लास बैक है इसके अंदर भी, फुल HD स्क्रीन, 90Hz अच्छा है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली नंबर 2 पे आता है। ये भी 10999 का है, 4 128 वेरिएंट, ऑफर्स के साथ आपको 9999 या 10,000 के नीचे मिल जाता है। Realme Narzo 70X इज नंबर 1, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। फुल HD स्क्रीन मिलती है, वो भी 120Hz की, वो भी 6.72 बड़ी Dimensity 6100+ प्रोसेसर मिलता है, जो अंडर 10,000 में Dimensity 6300 बहुत पॉपुलर है, उसी का थोड़ा अंडरक्लॉक्ड वर्जन है ये Dimensity 6100+, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और सबसे बड़ी बात पता है 5000mAh की बैटरी है, 45W चार्जिंग है, बाकी सब 15W 18W देते, दिस इज गिविंग यू 45W चार्जिंग, एंड डिसेंट कैमरा है, 50MP+ AI एंड 8MP का फ्रंट है, 4 128 वेरिएंट 10999 में मिलता है, बट फॉर द डिस्प्ले एंड चार्जिंग दिस डेफिनेटली इज एट नंबर 1, Realme Narzo 70X। आपको लगता है हमने रैंकिंग में गलती की, या आपको लगता है कोई दूसरा फोन होना चाहिए था लिस्ट में, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट अगर फायदा होता है दोस्तों, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका बजट 10,000 के नीचे और अच्छा फोन चाहिए। वैसे दोस्तों सभी जो फोन्स बता रहा हूँ सभी के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, गो एंड चेक इट आउट। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।